क्या कुछ कब से इंतजार कर रहे हैं महेंद्र सिंह? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिल से इंतजार कर रहे हैं, बहुत खुशी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज महेंद्र सिंह धोनी माही भैया का जन्मदिन है और हमने जोर से बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। अहमदाबाद से चल करके एक ऐसा फैन यहाँ पे आए हैं जो पेंटिंग को लेकर के पहुंचे हैं, क्या कुछ बोलिएगा महेंद्र सिंह धोनी के इस खास दिन के शुभ अवसर पर? उनको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दो पेंटिंग में लाया हूँ, एक पेंटिंग उनको गिफ्ट देनी है और एक पेंटिंग में ऑटोग्राफ। नमस्कार, आज भारत के पूर्व क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म दिवस है और उन्हीं के फार्म हाउस के समीप हम लोग खड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं वो सारे के सारे आए हुए हैं और आज मिलने के आस को लेकर के यहाँ पे गेट के सामने खड़े हैं। मैं तमाम फैन से बातचीत करने का कोशिश करूंगा और आप लोगों तक अपडेट पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ कब से इंतजार कर रहे हैं महेंद्र सिंह? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिल से इंतजार कर रहे हैं, बहुत खुशी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज महेंद्र सिंह धोनी माही भैया का जन्मदिन है और हमने जोर से बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। कुछ विशेष बोलिएगा उनके लिए। विशेष तो व्यक्ति है, व्यक्ति के बारे में विशेष क्या, उसमें इतना ही विशेषता है कि लगातार हमारे सारे विशेषण छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर का जो एक शब्द है, भावना है, चरित्र है, भाव है, वो सबसे अलग है और झारखंड ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा सितारा है महेंद्र सिंह धोनी और उनका जन्मदिन है। जन्मोत्सव मनाने के लिए हम आप यहाँ पे खड़े हैं। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पे अलग अलग जगह से आए हुए हैं और फैन का जो है हुजूम धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे वक्त बीतेगा। देख सकते हैं तमाम लोग हैं। कहाँ से पहुँचे हैं भैया आप लोग? मैं जमशेदपुर से आया हूँ। जमशेदपुर से आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। आप कहाँ से हैं? पलामू से। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। आप कहाँ से हैं? हम रामगढ़ से आए हैं सर। रामगढ़ से। आप कहाँ से हैं? पतरातू से। और एक सबसे और बड़े फैन मिल गए हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं जो बोर्ड लिए हुए खड़ा है आईपीएल चेन्नई सुपर किंग 2023 जीत की मुबारक को लेकर के। आप खड़े कहाँ से हैं भैया? सिल्ली क्षेत्र। हाँ, सिल्ली से। सिल्ली क्षेत्र से। क्या कुछ विशेष बोलिएगा आज धोनी माही भैया का बर्थडे के को लेकर के? देखिए उसके लिए तो कुछ भी बोलना छोटा नहीं है, बहुत। किस चीज से यहाँ पे आए आप? मैं उनके लिए बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बड़ा फैन है जी। पैदल आए साइकिल से? किस चीज से? पैदल आए जी। पैदल अपने घर से आ गए यहाँ पे? कितना किलोमीटर तय किए? 48 किलोमीटर। कितना? 48। 48 किलोमीटर। क्या कुछ विशेष उनके लिए बोलेंगे आप बर्थडे के अवसर पर? बर्थडे के अवसर पर यही बोलेंगे कि वो अगला आईपीएल भी खेले, मतलब आईपीएल वो खेलता रहे। अगला आईपीएल भी खेले, वो तो संन्यास ले रहे हैं सब चीज से। नहीं नहीं, संन्यास नहीं लेंगे हम लोग, जोर देंगे ना। आप लोग जोर दीजिएगा जी जी। देख सकते हैं झारखंड राज्य के राजकुमार यानी कि धोनी महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिवस है और जन्मदिवस के अवसर पर उनके फार्म हाउस के गेट के सामने हम लोग खड़े हैं और तमाम जो फैन हैं उनके वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग जिला से हैं, भारत के अलग अलग स्टेट से भी आए हुए हैं और सभी के सभी उनके एक झलक पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और उनका उनको विशेष रूप से उन्हें बर्थडे के रूप में आशीर्वाद देने के लिए, मिलने के लिए तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से चल करके एक ऐसा फैन यहाँ पे आए हैं जो पेंटिंग को लेकर के पहुँचे हैं, क्या कुछ बोलिएगा महेंद्र सिंह धोनी के इस खास दिन के शुभ अवसर पर? उनको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दो पेंटिंग में लाया हूँ, एक पेंटिंग उनको गिफ्ट देनी है और एक पेंटिंग में ऑटोग्राफ मुझे वापस चाहिए। ऑटोग्राफ वापस चाहिए? हाँ, ऑटोग्राफ वाला पेंटिंग एक चाहिए। क्या कुछ बोलिएगा? पूर्व क्रिकेट के कप्तान भी रह चुके हैं, विशेष उनके लिए क्या कुछ टिप्पणी करेंगे? कैप्टन कूल जो हम सब कहते हैं वही एक मेन शब्द है उनके लिए, कैप्टन कूल। हाँ, कि इतना सारा गुस्सा होता है फिर भी दिखाते नहीं फील्ड पे और एकदम कूल रहते हैं। महेंद्र सिंह के लिए जो उनका एक खास हेलीकॉप्टर शॉट होता था उनके लिए कुछ बोलेंगे क्या? मतलब वो आजकल तो सारे लोग ऐसे कॉपी करने लगे उनके शॉट को, पर वो इम्पॉसिबल है पर कॉपी कर रहा। कैसा लगता है आपको महेंद्र सिंह धोनी का ये जो कूल कैप्टन का जो है? देख रहे हो आप कितनी आईसीसी ट्रॉफी अभी जीता चुके हैं, तीनों अलग अलग आईसीसी ट्रॉफी जीता चुके हैं, इसलिए बहुत प्राउड फील भी होता है हमारे कंट्री के लिए। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने तीनों तीन जीता, बाकी अभी तक इंडिया अकेली कंट्री थी जिन्होंने आईसीसी तीनों ट्रॉफी जीती हुई है। कब निकले अपने अहमदाबाद से? कल रात को निकले, आज सुबह आए। कल रात को ही निकले विशेष रूप से महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए? हाँ, स्पेशल कुछ और काम भी है? नहीं, स्पेशल उनसे ही स्पेशल मिलने के लिए उनसे पहुंचे हैं। देख सकते हैं अलग अलग कोने से यहाँ पे पहुंचे हैं लोग और कहीं ना कहीं एक मिलने का आस को लेकर के, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने को लेकर के यहाँ पे तमाम लोग अलग अलग जगह से पहुंचे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से।
क्या कुछ बोलिएगा आज के दिन लेकर के? सबसे बोलेंगे बढ़िया कि उनको हैप्पी बर्थडे महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर भी नहीं बेस करके एक आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल में रह चुके हैं और मैं खुद ही एक मैन हूँ, इसलिए खास करके आज मैं उनको अपने तरफ से एक फौजी होने के कारण उनको हम बर्थडे का शुभकामनाएं देने आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग से पूछते हैं कहाँ से पहुँचे हैं भाई साहब आप? हम बिहार पटना से हैं, राघोपुर क्षेत्र से। बिहार पटना से आ गए जी, खास मिलने के लिए सर जी से। जी, और कैसा लगा यहाँ पे आकर के? अभी तक मिले नहीं हैं? मिले नहीं है, दर्शन भी नहीं हो रहा है। दर्शन भी नहीं हो रहा है, क्या लगता है मिल पाएंगे आप लोग? उम्मीद तो है, दिल में जज्बा है तो मिलेंगे ही। दिल में जज्बा है जी जी, एकदम मिलना है, मिलना है। कहाँ से पहुँचे भाई साहब? हम रांची में रहते हैं। रांची में ही रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, क्या लगता है मिल पाएंगे सर से? उम्मीद तो लग रहा है जी मिल पाएंगे, आज शाम तक यहीं पे रहते हैं। शाम तक रहिएगा, शाम तक रह जाइएगा। खाना पीना का कोई हो चाहे नहीं हो, एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए बस। क्या सर, कहाँ से आए आप? हम तो बगल में पिस्का मोड़ से। पिस्का मोड़ से, फिर भी आप आ गए आज बर्थडे के दिन? आप तो रोज मिलते, पड़ोसी हो गए। ठीक है, नहीं देखिए वो तो है ही। क्या बोलिएगा उनके जन्मदिन के अवसर पर? नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत बधाई, देश के लिए बहुत अच्छा है। कहाँ से आए भैया? पलामू से आए। पलामू से मिलने के लिए धोनी साहब से? क्या हाँ मिलते हैं, मिलते मिलते तो अच्छा रहता। क्या बोलिएगा उनके जन्मदिन के अवसर पर? बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं बाबू? हम साहिबगंज से। साहिबगंज से, पूरा फैन लग रहा है एकदम माई साहब का। प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस भी करते हैं? क्या लग रहा है उनके जैसा बनना है? उन्हीं के जैसा बनना है? नहीं उनसे ऐसे नहीं, वो तो विकेट के बाद हम तो बैटिंग सिर्फ करते हैं नहीं हम। अच्छा, बैटिंग के लिए? बैटिंग के लिए आपको ज़्यादा रुचि है बैटिंग में? आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, यहीं प्रैक्टिस करते हैं बगल में। अभी प्रैक्टिस करते हैं? यस। क्या बोलिएगा आज धोनी सर के बर्थडे के? धोनी सर को मतलब जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, वो ऐसे बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। कैसा लगता है, कैसा लगता है महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के ऐसे रत्न है, झारखंड को उन्हीं की वजह से जाना जाता है, क्या कहिएगा उनके लिए कुछ विशेष? बहुत ही अच्छा लगता, मतलब उन्होंने जैसे मतलब इंडियन टीम को बहुत ऊपर तक ले गया है, वर्ल्ड कप जिताया है, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, मतलब उनके जैसा कोई अभी तक ऐसा कैप्टन नहीं आया है, वही बहुत मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छा है किए हैं, बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। और तमाम लोग देख सकते हैं अलग अलग जगह से पहुँचे हैं। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आज के दिन महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है, देश के राजकुमार का बर्थडे है, झारखंड के राजकुमार का बर्थडे है, उनके लिए आप एक जरूर शुभकामनाएं भेजें और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर करें उनके शुभ दिन के अवसर पर, क्योंकि आज महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है, आज रांची के राजकुमार का बर्थडे है, आज पूरे देश का जो कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट टीम का उनका बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के दिन स्पेशल बनाने के लिए आप एक बधाई जरूर भेजें। और ये महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है और फार्म हाउस के समीप हम लोग सभी कोई खड़े हैं, तमाम अलग अलग जगह से फैंस आए हुए हैं, उनके लिए तो एक बार जरूर शुभकामनाएं तो बनता है कि भाई आज रांची के राजकुमार का जन्मदिन है। बाकी आप क्या सोचते हैं झारखंड के राजकुमार के बारे में, आज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, एक राय जरूर रखें। जय हिंद।